दिस इज जोसेफ जॉन और आज हम 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का एक पोम पढ़ने वाले हैं, दैट इज डस्ट ऑफ स्नो, विच इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. बिफोर गेटिंग इन टू द पोएम, वी हैव टू अंडरस्टैंड द मूड ऑफ द पोम. फर्स्ट ऑफ ऑल, इमेजिन दैट देर इज अ पर्सन, ही इज सैड. Everything in his life seems gloomy, in darkness. He has lost all his hope. He's in despair. And in this mood of sadness, he goes out in the snow. And in the snow-covered region, he goes towards a hemlock tree and sits beneath a hemlock tree. और ये जो हेमलॉक ट्री है, इसके नीचे बैठकर वो जो अपने इमोशंस हैं, उस इमोशंस के बारे में सोच रहा होता है. एक एक इंसिडेंट होता है उसके लाइफ में और वो इंसिडेंट के बारे में सोचकर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होकर वहाँ पे उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है. और यहाँ पे हमारा पोम स्टार्ट होता है. और ये जो पोम है, ये 8 लाइन्स का पोम है. एंड द फर्स्ट 4 लाइन्स सेज, The way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree. So this person, that is Robert Frost, is sitting beneath the tree, और वो कह रहा है कि एक crow है और उसने जिस तरीके से dust of snow जो कि hemlock tree के ऊपर था, वो dust of snow को मेरे ऊपर गिरा दिया, has given my heart a change of mood. So here he is saying कि ये जैसे ही dust of snow मेरे ऊपर गिरा, Robert Frost के ऊपर गिरा, तो he is saying that जैसे ही वो चीज गिरा, इसका जो mood जो कि negative thought process में था, वो सारा mood change हो गया. It gave a change to my heart and saved some part of the day I had rued. Rued का मतलब होता है to held in रिग्रेट. हम लाइफ में बहुत सारे, जब भी इंसिडेंट होते हैं, तो बहुत सारे इंसिडेंट में हम लोग करते क्या है, वी होल्ड इट, हम उसको मन में लेकर सैड हो जाते हैं. तो वैसे ही वो कह रहा था कि जो मेरा डे था, वो डे में मैंने कुछ चीज़ों को होल्ड करके रखा था और वो जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस था, वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस मेरे मन से चला गया. चाहे ये 8 लाइन का बहुत सिंपल तरीके से लिखा गया हुआ पोएम है, बट इट हैज लॉट्स ऑफ इनडेप्थ मीनिंग. लेट अस अंडरस्टैंड दोज इनडेप्थ मीनिंग. द फर्स्ट थिंग इज द मेंशन ऑफ टू थिंग्स, दैट इज फर्स्ट इज द क्रो एंड द सेकंड इज द हेमलॉक ट्री. द क्रो पुराने जमाने में, प्रिमिटिव टाइम में क्या होता था, क्रो को ऐसा माना जाता था दैट क्रो इज द हार्बिंगर ऑफ नेगेटिव इमोशंस और एल्स नेगेटिव ओमन्स. क्रो का आना मतलब एक ऐसी चीज मानी जाती थी कि दैट अ मैसेंजर हैज कम. हार्बिंगर मीन्स अ मैसेंजर. सो अ क्रो इज अ मैसेंजर ऑफ नेगेटिव थॉट प्रोसेस. और यहां पे ये जो क्रो है, ये क्रो क्या करता है, उसके नेगेटिव थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव बना देता है. तो हम बहुत सारे चीजों को मन में लेकर चलते हैं कि जैसे जैसे बहुत सारे सुपरस्टिशियस हैं जिसको हम बिलीव करते हैं, जैसे कि बिल्ली का रास्ता काट जाना, है ना. क्या बोलते हैं कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो वो रास्ते को अगर क्रॉस किया तो फिर क्या होगा, कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वी शुडेंट क्रॉस. तो ऐसे जो सुपरस्टिशियस बिलीव है, वैसे ही एक सुपरस्टिशियस बिलीव है कि क्रो नेगेटिविटी ही लाता है. बट यहाँ पे क्या हुआ, द डस्ट ऑफ स्नो वो जैसे ही गिरता है इसके ऊपर, एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस क्रिएट हो जाता है और वो अपने मूड को चेंज कर देता है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस से पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में आ जाता है. द सेकंड इज द हेमलॉक ट्री. और हेमलॉक ट्री को भी नेगेटिव ही माना जाता है बिकॉज इट इज अ पॉइजनस ट्री. यहां हमें यह भी समझना है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें हम पॉइजनस मानते हैं और कभी कभी वही हमारे जिंदगी में खुशी दे जाते हैं. वी हैव टू गो टुवर्ड्स दोज नेगेटिव पीपल ऑल्सो. Sometimes they will be the reason of your happiness. They will be the reason of your change of mood. The third thing is the dust of snow.
We have to understand that this dust of snow symbolizes the joy in our life. ये dust of snow जैसे ही इसके शरीर पे गिरता है, वो सारे negative thought process को भूल जाता है, nature से connect होता है और एक positivity की तरफ आ जाता है. The fourth thing is the role played by the nature. कभी कभी हम जब अपने आप को नेचर के पास ले जाते हैं तो नेचर ही हमें रिफ्रेश कर देता है, हमारे वो नेगेटिव टेंशंस को खींच लेता है. कभी कभी हमें अकेला होकर नेचर की तरफ जाना भी जरूरी है. एंड द फिफ्थ एस्पेक्ट इज द चेंज ऑफ मूड. चेंज ऑफ मूड इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ दिस पोएम. हमारे लाइफ में बीइंग ह्यूमन बीइंग्स ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे जिसमें हम नेगेटिव होंगे. जैसे कि अगर आपको कोई डांट देता है, वही चीज आपको इतना बुरा लगता है और आप उसी चीज को लेकर आगे के दिन को भी खराब कर लेते हैं. किसी इंसान का लूज हो जाना, हम जब किसी इंसान को खो देते हैं तो नेगेटिव्स आता है. तो ये सारे नेगेटिव्स एक ह्यूमन बीइंग होने के कारण हमारे आसपास हमसे जुड़े रहेंगे. और इस नेगेटिविटी में भी हमें करना ये है दैट हमारे ये जो माइंड है, जो कि ह्यूमन माइंड है, इसको जैसी वो जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, हमें ट्रेन करना है दैट लीव दैट नेगेटिव थॉट प्रोसेस, कम टुवर्ड्स अ पॉजिटिव थॉट प्रोसेस. एक अच्छे तरीके से एक नया रिफ्रेशिंग स्टार्ट दो. और वही चीज यहां पे भी बताया गया है कि जैसी डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरता है, नेचर वर्क करता है, वो जैसी उस चीज को फील करता है, वो अपने माइंड को उस वो अपने कॉन्सेंट्रेशन को वो नेगेटिव इंसिडेंट से हटा देता है. और अगर वो हटा नहीं पाता, उसको फिर भी होल्ड करके रखता, तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेगेटिव विच कुड हैव हैपेंड इन हिज लाइफ. सो इसीलिए हमें भी वो सारे नेगेटिव सिचुएशन को टर्न अप करके एक पॉजिटिव स्टैंड लेना बहुत जरूरी है. इसी को समझाने के लिए, ये जो चेंज ऑफ मूड को समझाने के लिए मैं एक बेस्ट एग्जांपल आपको देना चाहूंगा. द स्टोरी इज अबाउट अ बॉय हु वाज बोर्न ऑन 12th फरवरी 1809. इन द ईयर 1816 ही एंड हिज फैमिली वेयर फोर्स्ड टू लीव द हाउस विच दे वेयर लिविंग इन. द कंडीशन वॉज रियली वेरी बैड एंड दिस चाइल्ड हैड टू टेक अप द हाउस वर्क so as to move the family. Now, in the year 1818, another negative thing happened. That was, he lost his mother. Can you imagine a 9-year-old child losing his mother? Living without a mother is one of the biggest curse which any person could have. In the year 1831, he failed in a business. In the year 1832, the very next year, he was working and at the same time he ran for an election and he lost the election. In the same year, he lost his job also. The very next year, that is 1833, after all these downfalls, everything, losing everything which he had, he decided to take some loan from his friend and he started up a business. And do you know what happened in the year 1833? At the end of the year, he became bankrupt. All the money which he invested was lost. In the year 1835, a positive thing was supposed to be happened. He was supposed to marry a girl whom he liked. But the same year, the girl died. In the year 1836, that is the next year, he was in complete nervous breakdown and was in bed for about next 6 months. And after this nervous breakdown, he got up and he understood that there is no one to love him, but there is a world to love too. He decided to work for the people. He had changed his vision.
He had changed his thought process and he started working for the people. In the coming years, he ran for many elections and lost many elections and won few elections. And at the end, in the year 1860, this man became the 17th president of America, and the name is Sir Abraham Lincoln. And he worked for the African Americans over there in America, and he provided them a lot of facilities which the other people didn't. So what we learn from this story is that there will be negatives, and we have to set our mind towards the positive aspects. We have to change our mood and bring our things towards the positive thing. And the last, the sixth thing which we have to remember is this negative thought process. If we keep it with us, we will ruin the upcoming bright time, the upcoming bright future. So now with this, we will go on towards the poetic devices which are there in this poem. The poetic devices are, the first one is rhyming scheme. आपने पहले स्टैंजा में देखा होगा, जो पहले चार लाइन है उसमें देखा होगा, जो फर्स्ट लाइन है उसका जो लास्ट वर्ड है वो है क्रो, सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड मी, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड स्नो, और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड ट्री. इसमें जो फर्स्ट लाइन और जो थर्ड लाइन के जो लास्ट वर्ड है क्रो और स्नो, दोनों का साउंड सेम टाइप से एंड होता है, ओ ओ. एंड वैसे ही सेकेंड लाइन का मी एंड ट्री ई ई साउंड से खत्म होता है. जब ऐसे सेम साउंड से एंड होने वाले वर्ड्स को हम कुछ पैटर्न में डालते हैं तो उस पैटर्न को राइमिंग स्कीम कहते हैं. ये राइमिंग स्कीम को बनाने का एक तरीका होता है. कैसे? जो लास्ट वर्ड में अगर हमने एक साउंड को, एक लेटर, हम अल्फाबेट का एक लेटर दे देंगे, फर्स्ट लेटर ए दे देंगे, तो जैसे क्रो था, ओ साउंड से एंड हो रहा था, तो मैंने उसे अल्फाबेट का सबसे पहला लेटर ए डेजिग्नेट कर दिया. वैसे ही जो थर्ड लाइन का जो लास्ट लेटर था वो भी ओ ए ही हो जाएगा, क्योंकि वो ओ से एंड हो रहा है, साउंड ओ से एंड हो रहा है, तो वो भी ए हो जाएगा. जो सेकेंड लेटर है दैट इज मी, मी ई से एंड हो रहा है, अब हम उसे दूसरा लेटर अल्फाबेट हम उसे डेजिग्नेट कर देंगे, दैट इज बी. वैसे जब मैंने मी को बी दिया तो ट्री का भी ई से एंड हो रहा है, तो वो भी बी बन जाएगा. तो ये जो स्टैंजा है ये एक पैटर्न फॉलो अप कर रहा है, दैट इज ए बी ए बी. और वही सेम चीज अगर आप सेकेंड स्टैंजा में देखोगे तो वहां पे भी पैटर्न फॉलो अप कर रहा है. तो इस पोएम का राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगा? ए बी ए बी. Now the second thing which we have to understand, poetic device which we have to understand is symbolism. यहाँ पे हमने दो words को देखा था जो कि कुछ और चीजों को symbolize करते हैं, और उसके symbols को भी मैंने आपको समझा दिया था. तो वैसे ही ये जो symbols हैं, ये कुछ और चीज को symbolize करते हैं, तो इसीलिए हम इसे symbolism कहते हैं. किसको? Hemlock tree और जो आपका क्रो है, इन दोनों को. नाउ द थर्ड थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इज आयरनी. व्हाट इज आयरनी? आयरनी को समझने के लिए आप बस इतना समझिए कि एक फॉल्स सिचुएशन होता है जहां पे कुछ चीजें ऐसी लगती है, अपेयर ऐसी होती है जो कि सच है, बट होता कुछ और उसका मीनिंग है. मतलब अपेयरेंस कुछ और है, दिखना कुछ और होना कुछ और. ऐसे सिचुएशन को हम आयरनी कहते हैं. यहां पे एक वर्ड रूइड, सबसे लास्ट वर्ड रूइड यूज किया गया हुआ है. रूइड का एक मीनिंग मैंने आपको समझा दिया था, दैट इज हेल्ड समथिंग इन रिग्रेट. रू एक और वर्ड यूज होता है, दैट इज यूज फॉर प्लांट. एक प्लांट का नाम है रू, और ये जो रू है, रू मेडिकल पर्पस के लिए भी यूज होता है. तो हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है और रू एक मेडिकल
ट्रीटमेंट के लिए यूज करने वाला प्लांट है। तो पॉइजन का इफेक्ट कौन क्योर कर देता है? ये जो रियू है ये क्योर कर देता है, मतलब नेगेटिविटी को रियू है क्लियर कर देता है, ठीक कर देता है, क्योर कर देता है, हटा देता है। तो ये एक सिचुएशन है जो कि दिखता कुछ और है और मीनिंग कुछ और भी हो सकता है। तो देर इज अ बिट ऑफ आयरनी इन दिस पोएम, एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द पोएम। आई होप यू लाइक्ड इट। Okay.